Yo, what is up YouTube? Welcome back to the channel after a very, very, very long time. तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने लास्ट वीडियो मेरे को लगता है 3-4 महीने पहले डाले थे, उस पर भी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि उससे पहले मैंने वीडियो और 3-4 महीने पहले डाली थी, तो ऑलमोस्ट मेरा चैनल समझ लो एंड तक ही पहुँच चुका है। बट मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ, थोड़े बहुत रीजन्स थे उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो वीडियो पे आते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने जब माइनक्राफ्ट की वीडियो डाली थी उसमें मेरे को लास्ट में एक ट्रेजर मैप मिला था, तो उसी ट्रेजर मैप को आज मैं ट्रेजर ढूंढने जाऊंगा। मेरे ख्याल से चेस्ट में यही कहीं पड़ा होगा या फिर शायद इन्वेंटरी में भी हो सकता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत मैंने सामान वगैरह तो इकट्ठा कर लिया उसके लिए कि जैसे मैं जाऊँगा तो मेरे मरने के चांसेस थोड़े कम होंगे, और मेरे को जितना लगता है मेरे पास में ही होगा, वो ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो फटाफट से थोड़ा बहुत सामान जो नहीं चाहिए वो मैंने रख दिया है, और अब मैं सारी तैयारी के साथ अपने इस हॉर्स के ऊपर बैठ के चलता जा रहा हूँ। तो मेरे को कमेंट करके बता देना इस हॉर्स का मैं क्या नाम रखूँ, क्योंकि बस पड़ा हुआ था मैंने इसको उठा लिया और कुछ नहीं किया, तो मैंने कुछ सोचा नहीं अभी तक इसका नाम। तो फटाफट से चलते हैं, ज़्यादा दूर मेरे को लग नहीं रहा है ये होगा, बट स्टिल मैं एक हॉर्स को ले रहा हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे, और बाई चांस अगर कहीं पानी वानी के हुआ तो देख लेंगे। तो मैं बहुत पास तो पहुँच चुका हूँ इसके, और मेरे को लग रहा है यहीं पे आ रही, तो बहुत ज़्यादा क्लोज में पहुँच गया। ओके, तो इस सैंड में ही है, मेरे को ज़्यादा देर लगी नहीं, बिल्कुल ही मेरे घर के जो मेरा है जगह उसके कुछ सेकेंड्स ही दूर था, या 1-2 मिनट ले लो। तो फटाफट से यहाँ पर ढूंढते हैं, बहुत सारी डर्ट और सैंड है यहाँ पर, तो ज़्यादा मेरे को लग रहा है टाइम लगना नहीं चाहिए। स्टोन वगैरह होता तो प्रॉब्लम हो जाती, इसमें तो मेरे को लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी, बस नीचे पानी ना हो क्योंकि आइस ब्लॉक्स हैं साइड में। बहुत देर से मैं सैनिटाइज जा रहा हूँ पर अभी तक कुछ मिला नहीं है। यार है तो इसी एरिया में ही, क्रॉस के मैं पूरे आसपास ही मैं करे जा रहा हूँ एग्जैक्टली, बट बिल्कुल सेंटर तो मैं नहीं बता सकता। हाँ बहुत देर हो गई यार, मिल ही नहीं रहा चेस्ट, क्या है। ओ लेट्स गो फाइनली। Are you sure about that? नहीं मिल गया, प्लीज कुछ बढ़िया। अबे यार क्या ये घटिया सी चीजें दे दी मेरे को भाई। इसमें दो ही चीज ठीक लगी थी, दो में से भी एक ही मान लो, ये ब्लू वाला मुझे पता नहीं है क्या, मैं पहले सारी चीजें उठा लेता हूँ और फालतू का चीज उठा देता हूँ। ये तो चलो ओशन मॉन्यूमेंट में से भी मिल जाते, तो इतना कुछ बढ़िया मेरे को लगा नहीं, और मेरे को इनका सच बताऊँ तो यूज पता भी नहीं है। तो एक तो मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को सबसे पहली बार टाइम लगेगा ये चेस्ट ढूंढने में, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा, और उससे भी ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरे को कुछ बेटर चीज़ें मिलेंगी। डायमंड भी मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है मिल जाता तो बढ़िया रहता, बट डायमंड भी नहीं मिला। तो फटाफट से मैं वापस चलता हूँ, और जैसा कि ये हंट थोड़ा ट्रेजर हंट थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा, अनसक्सेसफुल नहीं बट जो एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले तो अनसक्सेसफुली मैं बोलूँगा। तो फटाफट से अपने हॉर्स को पार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े बहुत फार्म्स वगैरह बना लूँ। 4-5 फार्म्स मैंने सोच रखे हैं, जो कि ऑब्वियसली मेरे को मैंने अभी तक देखो अभी मैं घर नहीं बना रखा, अभी तक ये सिर्फ फार्म हाउस का बेस है ये टाइप, वहीं पर मैं रह रहा हूँ, तो मेरे को घर वगैरह बनाना है और बहुत सारे क्या कहते हैं नेदरराइट वगैरह ढूंढने जाना पड़ेगा, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें उनके लिए चाहिए होंगी, और मेरे पास कोल बिल्कुल नहीं है, कोल के लिए मेरे को फार्म बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे को ना बहुत सारे ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने पड़ेंगे, तो उसी के लिए मैं फटाफट से तैयारी करता हूँ। मेरे को एक तो ट्री फार्म बनाना है, ट्री फार्म के लिए स्टोन वगैरह ही चाहिए, उसके बेसिक है ये सब। तो आयरन फार्म देखो है तो हॉपर्स वगैरह की कोई कमी नहीं होने वाली। आयरन फार्म हमारा डन है, शुगर केन फार्म बना रखा है मैंने, ट्रेडिंग फार्म, ट्रेडिंग के लिए भी, विलेजर्स ट्रेडिंग के लिए भी देखो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनसे एमरल्ड्स वगैरह लेने के लिए भी मेरे को बहुत सारे फार्म्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं थोड़े बहुत ऑटोमेटिक फार्म्स बनाऊंगा। सबसे पहले ट्री फार्म मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरे को यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े, जैसे बस सैपलिंग लेके आ गया मैं एक ही बार, तो उसको अपने बस ट्री फार्म में डालूँ लगाऊँगा और एक ही बार मैं काटता चलूँगा उनको, तो वो ना एक इजी चीज़ और सही चीज़ रहेगी, और वो ऑटोमेटिक कलेक्ट होते रहेंगे सैपलिंग्स वगैरह, तभी तो वो ऑटोमेटिक ट्री फार्म होगा। तो
अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सबसे बड़ा ट्री फार्म ही मैं सोच रहा था, तो अब ये कर लेते हैं। बस मेरे को लग रहा है मैंने स्मूथ स्टोन थोड़े बहुत बना लिए, मेरे को याद नहीं कितने मैंने बनाए, मतलब कितने की ज़रूरत थी। 21 और 20 का वो बनाना था मैंने, कि बिना कैलकुलेट करे ही मैं बस जितने मेरे पास कोल था मैंने उनको स्मेल्ट करके वो बस ले आया। मैंने इतनी तैयारी व्यारी नहीं करी। तो मेरे पास आयरन ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, तो एक्स्ट्रा में ही मान लो, क्योंकि आयरन की तो कोई कमी नहीं होनी अभी हमें, जब तक हमारे विलेजर्स जिंदा है उस आयरन फार्म में तब तक कोई कमी नहीं होनी, और ऑब्वियसली ज़ॉम्बी में। तो ये बची कुछ ही जगह पे ऑब्वियसली ख़त्म हो गया, पूरा एक लेन ही बाकी है। तो उस पूरी लेन में मैं सोच रहा हूँ आयरन के ब्लॉक्स लगा दूँ, बहुत सारा आयरन है, आयरन की तो मैंने पहले बताया कोई कमी नहीं है। तो फटाफट से मैंने यहाँ से बहुत सारे आयरन ले लिया, पानी को पड़े रहने देता हूँ अभी, मेरे को इतनी कोई नीड नहीं है। बट बहुत देर से आयरन भी ओ लेट्स गो, ठीक है मैं यही सोच रहा था, आयरन गोलम आए नहीं, स्पॉन नहीं हुए बहुत देर से, चलो वो भी चीज़ हो रही है। अब यहाँ फटाफट से ये लगा देता हूँ। अगर मेरे को ये कलर सही नहीं लगा, मतलब अगर थोड़ा ये जैसे थोड़ा स्मूथ स्टोन है और फिर बीच में आयरन के ब्लॉक्स हैं, अगर ये बाद सही नहीं लगा तो बाद में मैं चेंज कर दूंगा, जब मेरे पास कॉबल स्टोन वगैरह होंगे और कोल होगा स्मेल्ट होने करने के लिए। शायद कॉबल स्टोन से होता है, स्टोन से मेरे को ये भी नहीं, स्टोन से होता है, बट स्टोन के लिए मेरे ख्याल से कॉबल स्टोन का ही कुछ यूज़ होता है, उसी से जाके स्टोन मिलते हैं। तो फटाफट से अब यहाँ पे पूरी जगह पे पानी डालना है, तो मैं फटाफट से पानी डाल लेता हूँ, क्योंकि ये पानी इसलिए क्योंकि जो भी हमारा वो होगा, जैसे मैं ट्रीज वगैरह काटूंगा इस पे, तो जो सैपलिंग्स वगैरह गिरेगी या जो भी वुड वगैरह गिरेगी वो ऑटोमेटिकली इस पानी के थ्रू हमारे चेस्ट में चली जाएगी हॉपर्स की हेल्प से। तो उसके लिए ऑब्वियसली पानी तो लगाना ही पड़ेगा, अगर पानी इन सब की ऑटोमेटिक की नहीं होती तो मैं फिर तो फार्म ही क्यों बनाता, है ना, दिमाग था मेरा। चलो अब ये पानी का अभी का हो गया, बट फटाफट से मैं पहले सो के आता हूँ। तो सुबह हो चुकी है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह होते ही काम शुरू कर दिया है मैंने, थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, आदत छूट गई है। हाँ चलो, ये पूरा एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये पूरा एरिया क्लीन इसलिए करना था क्योंकि वाटर फिर से फ्लो होना चाहिए ना नीचे तक। तो अब ये वाला भी जो लेना जो एंड आ रहा है, अब इसे भी मैं तोड़ूंगा ताकि पानी अपने नीचे फ्लो है, जो कि वर्क कर रहा है जैसा कि मैं चाहता था। अब ये जहाँ तक जाएगा फिर उसके नीचे का भी मेरे को लेन तोड़ना पड़ेगा, कोबल स्टोन या डर्ट वगैरह का जो भी है वो। ये पूरा ना एक वर्किंग है ताकि एंड तक ना हमारा वो चले जाए बिल्कुल सही। अभी तक मैंने डायमेंशंस मेरे को लगा था मैंने गलत ना बना दी, बस सही बनाई है। अब फटाफट से ये लेन भी पूरी तोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना वो चलो कोल थोड़ा मिल गया, कोल मैं ले लूँगा अगर देखता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को अलग से एक और पानी की बकेट डालनी है, क्योंकि अगर मैं वो ऊपर से डालूंगा तो वो फिर पूरा ना मिक्स हो जाएगा, मतलब ना ऐसे कॉर्नर तक नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कॉर्नर तक लेके जाना है तो उसके लिए मेरे को अलग से पानी की बकेट डालनी पड़ेगी। मतलब जिन्होंने माइनक्राफ्ट अभी स्टार्ट नहीं किया है, जो खेलना चाहते हैं, अभी जो फार्म सीख रहे हैं, मैं बस उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, जो पहले से खेलते हैं उन्हें तो पता ही होगा सब। तो फटाफट से कोल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि कोल तो देखो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, कोल की बहुत ज़्यादा ही कमी है। उसके लिए भी मैं फार्म बनाऊँगा कैल्प का। कैल्प ही देखो एक चीज़ है जो रिप्लेस कर सकती है कोल को। तो फटाफट से पूरी जगह भर देता हूँ वहाँ डर्ट से, यहाँ फिर कोई मॉब्स वगैरह स्पॉन हो गए दिक्कत करेगी ना बाद में, क्योंकि यहाँ भी ट्री फार्म है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले ही भर दूँ मैं जब मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा डर्ट पड़ी है फालतू की। तो अब यहाँ से मैंने पूरा भर दिया है, ऊपर जाना है मेरे को वापस। अब यहाँ का मैंने पूरा वो कर दिया, माइन कर दिया। अब यहाँ पे वापस मैंने पानी डाला है। अब ये जहाँ तक एंड तक जाएगा वो मेरे को ब्लॉक, वहीं से मेरे को एक और लेन तोड़नी पड़ेगी ताकि वाटर पूरा नीचे तक फ्लो कर सके। ऐसे ही मेरे को लगता है एक दो बार मेरे को और करना है, फिर हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट फार्म डन है। ये इतना कोई मुश्किल फार्म है नहीं, बहुत जल्दी से ही बन गया, बस एक और बार ही और है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे मेरे को ना अपना चेस्ट एरिया बनाना है, यहाँ पे अपना हॉपर लगाऊंगा और चेस्ट लगाऊंगा, और चेस्ट सॉरी हाँ चेस्ट पता नहीं, हॉपर के ऊपर ना मेरे को एक वो लगाने पड़ेगी, क्या कहते हैं इसको, छोड़ा मैं भूल ही गया इसको कहते क्या होता है यार, मैं कैसे बताऊँ, मतलब ना जिससे चेस्ट हमारा ओपन हो सके। तो वो फार्म ट्री फार्म तो हमारा डन हो चुका है, चेस्ट वेस्ट मैंने बना दिया, उतना को दिखाने की जरूरत नहीं। तो अब मैं नेदर में जा रहा हूँ, मैं सोच रहा थोड़ी श्रूम, ओ यार स्केलेटन क्यों हर जगह शूट भाई, मैंने यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, डायमंड का आर्मर है मेरे पास फिर भी मेरे को कैसे डैमेज हो जाता है, मेरे समझ के बाहर है।
मेरे को लगता है एन्चेंटमेंट वगैरह ढंग से करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ से मैं सोच रहा था थोड़े बहुत शुरूम लाइट्स वगैरह ले लूँ और थोड़े बहुत क्वार्ट्स वगैरह ले लूँ, जो कि थोड़ा डेकोरेशन वगैरह में थोड़ा सही रहेगा। मेरे को पता नहीं मैं क्यों आया, बट मैं थोड़ा वह फार्म बना के बोर हो गया था, तो मैं इसलिए वापस आया यहाँ पे लेने। तो फटाफट से यहाँ बिना कुछ रिस्क लिए वापस मैं चला जाता हूँ, मरने का बहुत रिस्क होता है, क्योंकि एक तो मैं गोल्ड का कोई भी आइटम पहन के नहीं आता। तो अब मैं बना लेता हूँ शीप फार्म। क्वार्ट्स हाँ, मेरे को याद आया मैं क्यों लेने गया था क्वार्ट्स। ऑब्जर्वर डिस्पेंसर पता नहीं कुछ होता है, उसके लिए क्वार्ट्स हमें चाहिए होता है। तो मैं गया था, तो साथ के साथ मैंने सोचा कि शुरूम लाइट्स भी लेते हैं। मैं भूल जाता हूँ बार बार मैं क्यों जाऊँ, सॉरी। तो अब ईजिएस्ट ट्री फार्म से भी ईजिएस्ट कोई फार्म होगा तो वो होगा शीप फार्म। शीप फार्म मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि विलेजर ट्रेडिंग, मेरे को पता नहीं वो कौन सा ट्रेडर होता है जो वूल वगैरह लेता है, बट अच्छी खासी वूल इससे प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब 20-30 प्लस हो जाएगी अगर मैं 10-15 मिनट भी AFK यहाँ खड़ा हो गया। शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो इसलिए मैं वो बना रहा हूँ और इसके थ्रू 20 समथिंग में वो वूल के एक्सचेंज में एमरल्ड्स 2-4 दे देता है। तो इसलिए इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बस मुश्किल काम ये होगा कि शीप को यहाँ तक इसके ग्लासेस के अंदर लाके खड़ा करना है, बस वही सबसे मुश्किल काम है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये इजीएस्ट फार्म रहेगा ऑटोमेटिक, और बैठे बैठे मेरे को AF थोड़ी देर AF के रह के मेरे को बहुत सारा वूल एमरल्ड्स डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल तो एमरल्ड्स मिल जाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ मैंने चेस्ट एरिया पूरा बना दिया, बस ये मैं कवर कर दूँ ताकि ये उधर चेंज ना अपनी पोजीशन कर ले। अपना चेस्ट एरिया बन चुका है, स्टोरेज एरिया बोल लो चेस्ट एरिया बोल लो एक ही बात। अब बस मेरे को लानी है शीप, उसमें भी ज़्यादा देर मेरे को लगेगी नहीं, आसपास ही होगी शीप भी। देखो तो मेरे को लग रहा है ये सही रहेगा। अब सीढ़ियाँ बनाऊँ या लैडर लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लैडर लगा लेंगे। फटाफट से शीप भी मैं लेके आ चुका हूँ, जल्दी आता है जब शीप अभी सीधी सीधी चली जाए तो अच्छा है, कुछ दिक्कत ना हो। तो आ जा इधर प्लीज़, थोड़ा अंदर, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मेरा लेफ्ट ही है, इसका राइट हो गया, हाँ तेरा राइट, खुद तो जाएगी नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा इसे। चली जा, अब तो वेट के थ्रू भी तेरे को लाए है ना, एक ब्लॉक का ही गैप है, दोनों शीप ना प्रॉपर जाती नहीं है। और अगर मैं एक हटा दूंगा जैसे डर्ट वगैरह, फिर ये नीचे आ जाएगी वापस, तो भी अंदर ले जाने में दिक्कत होगी। बस यही एक प्रॉब्लम थी शीप फार्म की, बस ये चली जाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट ऑलरेडी मेरा हो चुका है। इसको पहले लाने में बहुत दूर से, एक तो मैं लेके आया थी ही नहीं कहीं शीप, दूसरे आइलैंड से ही मान लो मैं शीप लेके आया हूँ, जहाँ पे मेरा पहले विलेज था एक, वहाँ से मैं शीप लेके आया हूँ बहुत दूर। ओ लेट्स गो, फाइनली चलेंगे। बस यहाँ पे मेरे को डर्ट लगानी पड़ेगी वापस, डर्ट छोड़ो ग्लास ही लगा देते हैं, डर्ट तो नहीं डर। अरे यार शेट, मैंने नीचे ब्लॉक ही नहीं लगाया था, ये कैसे ये क्या कर दिया मैंने। अब मेरे को पूरा यहाँ से इसको वापस हटाना, ऊपर लेके आना पड़ेगा, पूरा चेस्ट का ही हटाना पड़ेगा। शेट मैन, बिन बात के अपना काम बढ़ा दिया, क्यों सिर्फ एक ब्लॉक नहीं लगाया मैंने, एक ब्लॉक के चक्कर में मेरे 10-15 मिनट फिर से वेस्ट होने वाले हैं। फटाफट से मैं लगाता हूँ और कंप्लीट करता हूँ। तो फाइनली 5 या 10 मिनट लगे मेरे को ये काम करने में, शीप को ऊपर लाने में। तो बस अब ये मैं एरिया कवर कर दूंगा फटाफट से, और अपना स्टोरेज तो इसकी चेस्ट ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। शेयर मैंने शायद डाल ही दिया था मैंने, शेयर नहीं भूल गया था मैं, सॉरी। शेयर डाल देते हैं अभी के लिए, देखो एक शेयर भी काफ़ी है, नहीं तो आयरन की तो देखो हमें कमी कोई है ही नहीं, आयरन से ही बनता है शेयर, तो फटाफट से वो बिक जाएंगे। फटाफट से टेम्परेरी हटा देता हूँ ब्लॉक। अब ये जगह भी मेरे को कवर करनी है, और इसके बाद मेरे को बनाना है केल्प फार्म, जो कि मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए 3 फार्म बेटर रहेंगे, क्योंकि हमारा ट्री फार्म हो गया, जो कि हमें किसी भी और चीज़ बनाने में, जैसे कोई भी फार्म बनाना हो या कोई भी घर बनाना हो या कुछ भी बनाना हो उसमें बहुत हेल्प करेगा। सेकंड वूल फार्म हमें ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा, ये देख लो अभी 2-3 वूल ऑलरेडी आ भी चुकी, तो मतलब ये फार्म बहुत सही वर्क कर रहा है। बस यहाँ पे मेरे को लेडर ला के लगानी पड़ेगी, अभी के लिए तो नहीं ला रहा मैं, अभी के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट फार्म जो कि है केल्प फार्म। केल्प भी मेरे को बहुत टाइम लगा ढूंढने में, बहुत दूर से मैं केल्प लेके आया हूँ, बहुत मुश्किल से मानोगे नहीं, क्योंकि केल्प कहीं मिल ही नहीं रहा था यार, पानी के पता नहीं कितनी दूर मैं जाके लेके आया, तब जाके मेरे को दो थोड़ी बहुत केल्प मिली,
अब और एक दो चार ही कैल्प भी मिल जाए वो भी ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है बहुत जल्दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऑटो स्मेल्टर भी लगा रहा हूँ मैं, ताकि अपने आप ही वो स्मेल्ट होके वो चेस्ट में चली जाए। बस दिक्कत ये है कि जो कैल्प स्मेल्ट होके भी आएगी उसका पूरा ब्लॉक बना के, जैसे जो कोल है ना, कोल का जो सेकेंड जो कैल्प यूज़ करूँगा मैं कोल की जगह पे, उसके लिए मेरे को पूरा कोल का सॉरी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, कैल्प का, हाँ कैल्प का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जो कि मुझे खुद मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बट ऑटोमेटिकली स्मेल्ट हो जाएगा इसमें। तो बस मेरे को कलेक्ट करके उसका ब्लॉक बना के, बस जहाँ भी मेरे को यूज़ होगा स्मोकर फर्नेसेस वगैरह में, वहाँ मेरे को बस खुद डालना। बाकी कह सकते हो कि ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक मान लो एक तरीके से। तो मैंने पहले यहाँ पे शायद कंपोस्टर लगा दिया था, कंपोस्टर ही बोलते हैं मेरे को याद नहीं, शायद कंपोस्टर बोलते हैं। तो कंपोस्टर की जगह मैंने फर्नेस या स्मेल्टर लगा दिए, सॉरी स्मेल्टर लगा दिए, तो ऑटो स्मेल्ट हो जाएगा वो। और फिर कैल्प का ब्लॉक बना के जो स्मेल्ट हुआ है वो फिर मेरे को अपने फर्नेसेस में यूज़ करना है। तो ये भी इतना कोई मुश्किल फार्म नहीं है, बस पानी वगैरह थोड़ी जो भी कैल्प में डालूंगा उसमें पानी वगैरह डालना है, पिस्टन वगैरह, और क्या डिस्पेंसर यूज़ होता है शायद, ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर यूज़ होता है। वही तो बेसिक जैसे शुगर केन फार्म होता है बस उसी की तरह है, सेम ही बोल लो कुछ भी बोल लो, बस थोड़ा पिस्टन वगैरह ऊपर, सॉरी ऑब्जर्वर वगैरह ऊपर लगते हैं शुगर केन पर, क्योंकि कैल्प ना बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, एटलीस्ट 3 या 4 प्लेसेस तक तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है कैल्प पानी में, बट शुगर केन 2-3 तक भी ग्रो होने में टाइम लगा देता है, 3 तक ग्रो होने में टाइम लगा देता है, तो 3 ही मान लो हाईएस्ट है शुगर केन का। तो बस ये सिंपल सी चीज़, सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है फार्म का, बस अब इसे कवर करना है ग्लासेस सामने और साइड में, जैसे बोलता हूँ बिल्कुल सेम है शुगर केन। हाँ थक गया मैं बोलते बोलते। अब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ इसे ना डेकोरेट कर दूँ, जैसे ऑब्वियसली शुगर केन फार्म भी है ना, अब ये ट्री फार्म तो देखो ओपन था उसमें कुछ था नहीं करने का, और मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं घूमे के जा रहा हूँ। शेट मैन, मैंने शादी कर ली, मैंने 4-5 फेरे ले लिए शीप के साथ, शेट। तेल गरम करो हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बहुत देर से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ ना, एक तो बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, फिर ऊपर से कॉन्टिन्यूसली इतना खेल लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, सॉरी। तो मूव करते हैं, एक ये भी छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है स्प्रूस का, जो कि मेरे को लग रहा है गलत है, क्योंकि यहाँ तो कहीं ग्लास लगने की जगह ही नहीं बची। ये एक ब्लॉक मेरे को आगे लगाना था, फटाफट से स्प्रूस का हटा दिया मैंने। ओक का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, ओक का देखो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, हर जगह यूज़ होता है, और स्प्रूस हमारे पास है भी बहुत, और आसपास भी स्प्रूस के बहुत सारे वो जंगल्स वगैरह हैं, तो मैं स्प्रूस ना थोड़ा कलर भी अच्छा सा लगता है, इसलिए मैं ना मोस्टली ट्राई करता हूँ स्प्रूस ही यूज़ करूँ। हाँ तो अब ये ग्लास भी फटाफट से मैंने लगा दिए, तीनों साइड ही ग्लास लगने थे, एक साइड लग चुका है, दूसरी साइड मैं लगा रहा हूँ, ये बस फटाफट से ग्लास का भी हो जाए। ग्लास के बाद फिर मेरे को बस यहाँ पे कैल्प डालना है और फिर पानी ख़त्म, काम और कुछ करना ही नहीं है। ग्लास भी मेरा ख़त्म हो गया था, मैं फिर से बना के थोड़ा बहुत ले आऊँ, बट फिर से ख़त्म हो गया, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत ग्लास फिर से लाना पड़ेगा। जब तक मैं सोच रहा हूँ ग्लास में वो होएगा, उससे पहले यहाँ पे ट्रैप डोर्स वगैरह लगा देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये यहाँ पे पानी डलेगा तो रेड स्टोन पे पानी ना आ जाए, इसके लिए मेरे को ट्रैप डोर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, वैसे फटाफट से लग जाए क्योंकि मेरा एम बन नहीं रहा अब ये। हाँ ठीक है, जिस साइड जिस डायरेक्शन में मेरे को लगाना था उस डायरेक्शन में लग चुका है। अब यहाँ पे ये है कि जो भी पानी में डालूंगा ऑब्वियसली कैल्प बिना पानी के ग्रो होता ही नहीं, जैसे शुगर केन बिना पानी के ग्रो नहीं होता, कैल्प भी बिना पानी के ग्रो नहीं होता। हाँ बस शुगर केन और कैल्प में डिफरेंस ये है कि कैल्प पानी के अंदर ग्रो होता है और शुगर केन पानी के बाहर। तो अब मैंने यहाँ पानी डाल दिया और पिस्टन भी देखो रेड स्टोन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही पानी डाला पिस्टन हमारे चलने लग गए, तो ये चीज़ भी ठीक है। अब मैंने पानी यहाँ डालना है, मेरे को अनलिमिटेड बन जाएगा पर नहीं बना, चलो ठीक है। अब पानी हमारा पूरा हर जगह जा चुका है तो ये डाल देते हैं, बट यहाँ नहीं डल रहा। अच्छा सर हाँ यहाँ भी डलिए, मेरे को लगा जहाँ पानी पूरा आता है वहीं डलता हूँ, हाँ जहाँ पानी ढंग से आ रहा है ना वहीं डलता है, क्योंकि
इन दो जगहों पे नहीं डलना, तो मेरे को पहले फिर से पानी लाना पड़ेगा। चार पांच चक्कर लग जाएंगे मेरे पानी लाने में, क्योंकि मेरे पास एक ही बकेट है, दूसरी बकेट अब कौन बनाए, मन नहीं आया, छोड़ो ये सब। तो फटाफट से मैं पानी, बारिश ही होने लग गई पानी के नाम पे। चलो अब ठीक है, मैं स्लैब्स भी लगा रहा हूँ। हाँ स्लैब्स, मैं ट्री फार्म में बोल नहीं पा रहा था, ट्री फार्म में भी स्लैब्स लगने थे चेस्ट के एरिया के वहाँ पे। तो फटाफट से मैं पानी ले आता हूँ, दो या तीन और डलने हैं मेरे ख्याल से, तीन और जगहों पे पानी डलना है। तो मैंने अनलिमिटेड सोर्स जो है पानी का थोड़ा दूर बना रखा है अपने ट्रेडिंग हॉल के यहाँ पे। तो अब यहाँ से मेरे को और दो बार पानी लाना है, फिर उसको ऊपर स्लैब से कवर कर दूंगा, तो हमारा फार्म डन है। ओ शिट, मैंने यहाँ पानी डाल दिया, रेड स्टोन चला गया हमारा। चलो कोई नहीं, वहाँ पे भी लगा देंगे। हाँ अब दो बार और पानी लाना है एक क्रॉप। अच्छा वो रेड स्टोन ही रहा, ठीक है चलो एक दो बार रेड स्टोन यहीं का हट है ना। हाँ ठीक है, मेरे को मैं कंफर्म कर रहा था, मैंने कहा कहीं वहाँ का ना हट गया। ये चलता रहा, वो वूल बहुत सारी आ गई यार। मतलब मेरे को पता है मैं बहुत देर से फार्म बना रहा था, बट स्टिल मेरे को इतनी भी उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा वूल फार्म सही वर्क करने लग जाएगा, बट सही है, बढ़िया। अब फटाफट से थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं, और रात ना हो जाए उससे, रात होने से पहले ही कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मरने में से भी ज़्यादा रिस्क होता है क्रीपर्स वगैरह का, क्रीपर वगैरह फार्म के आसपास पड़ गया, फिर से सारा फार्म बनाना पड़ेगा, जो कि मैं हिम्मत नहीं है मेरे में करने की, क्योंकि बहुत देर से मैं कॉन्टीन्यूसली फार्म पे वर्क कर रहा हूँ अपने। तो बस ये ऑलमोस्ट लास्ट ही स्टेप मान लो, या सेकेंड लास्ट, अरे यार मेरे को लगा लास्ट, ओ शिट बाहर पानी। चलो ठीक है, वो सब मैंने कर लिया है, और हमारा केल्प फार्म भी सक्सेसफुली बन चुका है। बस मैं ऊपर से कवर कर देता हूँ फटाफट से। तो अभी तक के लिए मेरे को लगता है, जो मैंने इतने टाइम बाद वीडियो डाली, मैंने सोचा था ट्रेजर फार्म, ट्रेजर में ढूंढने जाऊँगा, उसमें अच्छी खासी बन जाएगी, बट ठीक है ये भी लूट उसमें ना मिल गए। मैंने ऑटोमेटिक फार्म्स बना लिए तीन, और जो कि बहुत तगड़े तरीके से वर्क कर रहे हैं। ट्री फार्म देखो, अभी तक मैंने ट्री उसमें कुछ तोड़ा नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ट्री उसमें कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं जो वर्क ना करे। वूल फार्म तो देखिए क्या वर्क कर रहा है, केल्प भी धीरे धीरे ग्रोने लग जाएगी, मैं पानी से पूरा भर दूंगा। यहाँ पे जो चेस्ट बनाए वहाँ भी मैं प्रॉपर अपना एरिया बना लेता हूँ। तो आज की एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, तो रीच भी थोड़ी कम हो गई होगी। तो आपके जो भी दोस्त वगैरह या जो भी फैमिली में भाई बहन आपके दिखते होंगे माइनक्राफ्ट से रिलेटेड गेम प्ले, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना जितनी ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो, और कमेंट करके भी बता देना कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, आप क्या क्या देखना चाहते हो उससे रिलेटेड, जो भी अच्छा बुरा कुछ भी, या जो चीज़ बुरी लग रही हो मेरे बारे में वो भी लिख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से फटाफट से बस मैं ऊपर चला जाता हूँ, फिर इसको एंड करेंगे। और हाँ एक और चीज़ कहनी थी कि मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस लाइन अप कर रखी हैं, वो भी बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा इसी के बाद। और जो मैंने लास्ट वीडियो थी उसकी भी बिल्कुल रीच ख़त्म हो चुकी थी, बहुत ही बेकार भी उसने, तो जिन्होंने वो नहीं देखी हो वो भी जाके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर भी कर दो जितना कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।